उमैर अहमद खान नाम है मेरा और नेपोलिटन मैस्टिफ 3 साल के अराउंड से मैं पाल रहा हूँ. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो शौक़ है मेरा, पहले सिर्फ ऐसा हॉबी एज अ पेट मैंने इसे परचेज़ किया था. देन जिस तरह से शौक़ को हवा मिलती रही, बढ़ते रहे बढ़ते रहे, और अब पाकिस्तान में मैं आई एम द वन एंड ओनली ब्रीडर ऑफ नेपोलिटन मैस्टिफ्स. नेपोलिटन मैस्टिफ बेसिकली गार्डिंग ब्रीड है. वर्किंग ग्रुप में आते हैं किसी के, और इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो गार्ड करना होता है. यूरोप में ज़्यादातर बड़े बड़े घरों को ये गार्ड करने में यूज़ होते हैं. पाकिस्तान में अगर देखा जाए नेपोलिटन मैस्टिफ तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं. इनके फेरोशियस लुक्स इतने हैं कि लोग घबरा जाते हैं कि ये कुत्ते एग्रेसिव हैं, काट लेंगे, फैमिली डॉग्स नहीं हैं. नेपोलिटन मैस्टिफ कहीं से भी एग्रेसिव नहीं होते. पाकिस्तान में आज तक मैंने जितने नेपोलिटन मैस्टिफ देखे हैं उनमें से कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो एग्रेसिवनेस अपने ओनर की तरफ या किसी और बंदे की तरफ बिला वजह शो करें. बहुत अच्छे, बहुत काम प्लेसिड कुत्ते होते हैं. ये लिटर जो हुआ है, 4 कलर्स जो नेपोलिटन मैस्टिफ्स के परमिटेड हैं दुनिया में, दैट इज़ ब्लू, ब्लैक, इजाबेला एंड महागनी, वो 4 के 4 कलर मेरे इस लेटर में मौजूद हैं. इनका जिस तरह से आप देख रहे हैं खासा डेढ़ डोल और जुस्सा जो होता है बहुत हैवी होता है. मेल्स जो हैं 30-31 इंच हाइट के होते हैं और वेट इनका अराउंड 70-80 kg अच्छे स्पेसिमेन में होता है. लेकिन इसके बावजूद ये कोई ना समझे कि ये लेम या लेजी डॉग्स होते हैं. खास से काम डॉग्स होते हैं. अपने लुक्स के बरखिलाफ ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली और कंपेनियनशिप वाले डॉग्स हैं. फर्मा डिमोलिसाइड जो कैनल का मेरे नाम है, फर्मा डिमोलिसाइड एक इटालियन वर्ड है, इंग्लिश में तो उसका मतलब है सिग्नेचर ऑफ मोलिसाइड. मोलिसाइड वो कुत्ते थे या वो कुत्ता था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मीज के साथ दूसरी आर्मी से लड़ा करता था. ये बात है आज से कोई 2500-2300 साल कबल मसीह की. उस वक्त नेपोलिटन्स जो हैं नेपोलिटन मैस्टिफ नहीं कहलाते थे, मोलोसियन, मोलोसाइड या मैसी इनका नाम था. इटली से ये ब्रीड ओरिजिनेट की है और अब इसका नाम एक नेपोलिटन मैस्टिफ है और अमेरिकन कैनल क्लब ने हाल ही में इसको वर्ल्ड रिकग्निशन दी है वर्किंग ग्रुप में. ब्रीडिंग इज नॉट अ गेम. अगर पीपल थिंक कि अगर आप 2 कुत्ते लें और उन्हें छोड़ दें और वो बच्चे पैदा करें और वो आपको कैश प्रोवाइड करें तो ये पॉसिबल नहीं है. क्योंकि अगर आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं और अच्छी ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो आपकी टाइम, आपकी एनर्जी और सबसे बढ़कर आपका टेम्परमेंट काउंट करता है कि आप क्या ब्रीड करना चाहते हैं. ब्रीडर्स को अपने लिटर के बारे में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. उन्हें अपने तौर पर जज करना चाहिए कि उनका कौन सा पप एक कंफर्मेशन चैम्पियन बन सकता है और कौन सा पप नहीं बन सकता. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ पेट क्वालिटी एंड अ शो क्वालिटी पप. और एक लिटर में दोनों आते हैं. एक शो क्वालिटी पप और एक चैम्पियन बनने में सिर्फ जीन्स ही नहीं, 50% जीन्स, 25% एक्सरसाइज और 25% उसकी डाइट शेड्यूल होता है. ये 100% मिल के कहीं जाके एक चैम्पियन बनता है और उसमें लक भी बहुत काउंट करती है. डॉग इज़ अ मैंस बेस्ट फ्रेंड. ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये हकीकत है. आप किसी इंसान को सारी ज़िंदगी देवता बना के उसकी पूजा करते रहें, शायद वो इंसान आपका कभी ना हो सके. लेकिन एक कुत्ते पे आप सिर्फ एक निगाह प्यार की डाल लीजिए, आई कैन बेट ऑन दिस, तो ज़िंदगी आपके नाम लिख देगा. कुत्ता दुनिया की शायद वो वाहिद स्पीशी है जो अपने से ज़्यादा अपने मालिक से प्यार करती है. आप कितना ही धत्कारिए, कितना ही मारिए, कितना ही पीटिए, ये आपका दरवाज़ा, आपके पैर, आपके कदम छोड़ के नहीं जाएगा. जब भी आएगा आप ही के पास आएगा.